दोस्तों आज हमारे पास ये बिल्कुल छोटा सा प्रोजेक्ट है एलईडी पैटर्न। इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे 10 से 12 तरह के एलईडी पैटर्न, काफ़ी अच्छे लगेंगे आप लोगों को ये पैटर्न। और इसके लिए मैंने कोई भी पार्ट जो है फ्रेश यूज़ नहीं किया है, ज़्यादातर पार्ट मोस्टली जो पार्ट हैं या कंपोनेंट हैं वो मैंने पीसीबी में से निकाले हुए हैं। ये देखिए अलग अलग तरह की जो पीसीबी ख़राब थी उनमें से निकाले हुए हैं। ये इन्वर्टर की माइक्रो कंट्रोलर है, ये आपके ट्रांजिस्टर वगैरह अगर आपको किसी पीसीबी में निकल जाए वो निकाल लें, रेजिस्टेंस वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं 1K की। और ये इसमें ज़्यादा कुछ लगा भी नहीं है, 78.5 रेगुलेटर है, ये भी पुराना यूज़ किया हुआ है। तो ये जो है मैंने सामान निकाल के पुरानी पीसीबी में से इसको ये पीसीबी तैयार कर ली है, और वैसे भी ये पार्ट जो है ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। उसके बाद ये कर्टन का जो है 1.5x1.5 फिट का जो है अप्रोक्सीमेट ये गत्ता मैंने ले लिया है। उसके ऊपर मैंने ये एलईडी स्ट्रिप के मेरे पास अलग अलग जो है टुकड़े जो हमारे ख़राब हो जाती है एलईडी स्ट्रिप, उसके जो टुकड़े थे जो ओके वन थे, जो ओके थे ठीक थे, वो मैंने यहाँ पे 6-6 इंच के आसपास जो है कट करके मैंने इस तरीके से इस पैटर्न में लगा दिए हैं। क्योंकि इन एलईडी स्ट्रिप के ऊपर यहाँ पे जॉइंट हैं, सारी वायरें नीचे की तरफ निकली हुई हैं, तो ये जॉइंट हमें दिखाई ना दें, तो एलईडी का जो टॉप कवर होता है वो मैंने यहाँ पर चिपका दिया है ताकि हमारा जो है यहाँ पर कनेक्शन दिखाई ना दे। और उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो पीसीबी है इसकी ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ निकाल दी है। इसके अंदर एलईडी पैटर्न का मैंने सॉफ्टवेयर लिख दिया है, 15 स्ट्रिप इसके अंदर लगाई हुई हैं, 15 ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं, और ये 15 अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर की पिनों पे कनेक्ट कर दिए हैं। अब मैं पर्टिकुलर जिस पिन को मैं सिग्नल दे के ऑन करूँगा वो वाली आपकी एलईडी स्ट्रिप ऑन हो जाएगी, और इस तरीके से हम अलग अलग तरीके के जो है इसमें पैटर्न बना सकते हैं। मैं अब आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये पैटर्न यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं, 8-10 तरह के पैटर्न मैंने इसके अंदर डाले हैं। अभी PIC16F72 माइक्रो कंट्रोलर है और दीपावली पर हम इसको यूज़ करेंगे। ये देखिए पैटर्न चेंज होते रहेंगे, आप इसके अंदर काफ़ी तरह के पैटर्न डाल सकते हैं, जैसे आपके लॉजिक लगे, जैसे आप इन एलईडीज़ को मूवमेंट करवा सकते हैं उसी तरह के पैटर्न आप इसके अंदर डाल सकते हैं, कि दोनों तरफ से एलईडीज़ को ऑफ करते हुए चलना है, या दोनों तरफ से ऑन करते हुए चलना है, या एक एलईडी की चेंजिंग करनी है, डाइवर्ज कन्वर्ज करना है, जैसे मर्जी आप इसके अंदर पैटर्न डाल सकते हैं, एक से एक बढ़िया पैटर्न। और अगर कलरफुल एलईडी लेंगे तो ये और भी जो है आपको अच्छा लगेगा ये पैटर्न। ये देखिए, ये देखिए, ये पैटर्न जो है चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, और मल्टी कलर लेने से जो है ये काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे पैटर्न। तो आप इस तरीके से जो है अपना यहाँ पर दीपावली वगैरह त्यौहारों के लिए आप ये एलईडी पैटर्न यहाँ पे बना सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोग्रामिंग करके। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये लर्निंग पर्पज़ से नहीं है, दीपावली का त्यौहार था तो मैंने ये बनाया, इसलिए आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए यहाँ पे अपलोड कर दिया मैंने इस वीडियो को। स्टूडेंट्स को अगर कोई आइडिया लग सके, कुछ अगर उनको यहाँ पर गेन होता है तो वो उनके लिए प्लस पॉइंट होगा, बाकी इसके अंदर टेक्निकल बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं शेयर नहीं कर पाया आप लोगों के सामने ये इसका जो सॉफ्टवेयर वगैरह है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आगे बिल्कुल बेसिक के भी आप लोगों के सामने PIC16F72 के जो असेंबली लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर हैं वो एक एक करके शेयर करता रहूँगा, बीच बीच में कंटिन्यूटी पे मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिमांड जो होती है वो आपकी पावर डिवाइसिस की रिपेयरिंग वगैरह से रिलेटेड होती है। फिर भी मैं एक एक करके बीच बीच में आप लोगों के सामने PIC16F72 आर्डिनो नैनो 8051 इनके जो है बेसिक सॉफ्टवेयर भी आप लोगों के सामने मैं शेयर करता रहूँगा। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।